लाल लाल लाल। ये ओ पग, क्या कर रही है ये सब? कॉलेज बंद है इसका मतलब ये नहीं पढ़ाई बंद। ला इधर। अरे इस फालतू के काम छोड़, ये सब मैं कर दूंगा, तू जाकर पढ़ चल। अरे हम सुबह से पढ़ाई करत रहे हैं, अब ये कॉलेज जाए का वक्त है, ये इसे मन बहलावत है। इमली प्लीज मेरे कमरे की डस्टिंग ठीक से कर देना, सुना है डस्ट बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ इमली, मालिनी ठीक ही तो कह रही है, प्लीज सफाई कर देना। वैसे भी मालिनी के कमरे में कचरा ही कचरा भरा हुआ है, ऐसे कबाड़ से तो तू ही हमें छुटकारा दिला सकती है। थैंक यू फॉर द केयर रूपी दीदी, आफ्टर ऑल बुआ आप ही है, इतना तो केयर करेगी। वो क्या मुहावरा है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। माना कि ये जेल है, लेकिन कोई क्लास, कुछ स्टाइल तो होना चाहिए ना। इतने बद्दे फैसिलिटी हमारे सर्विंग क्वार्टर्स में भी नहीं होते। इश, शी, लुक एट दिस, इट्स सो डर्टी। ऊपर से इतनी गर्मी, एसी छोड़ो, पोर्टेबल कूलर तक नहीं है यहाँ पर, और बैठने के लिए ना तो सोफा और ना ही कॉफी टेबल। इस वक्त तो शंभू मुझे आमंड्स और स्मूदी दे रहा होता। कैदी नंबर 102, ले लो तुम्हारा खाना। ये खाना है हमारे घर के वहां गली के कुत्तों को भी इससे बेटर फूड मिलता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कैदी नंबर? कॉल मी मिसेस चतुर्वेदी। ए आंटी चुप कर, खाना है तो खा। ए यू आंटी, किसे कहा तुमने? हां आई टोल्ड यू कॉल मी मिसेस चतुर्वेदी, डोंट यू अंडरस्टैंड? खाना है तो खा वरना चुप कर, वरना डंडा खा के मानेगी क्या? खा पकड़, चल। उस नौकरानी और उस लॉयर को तो मैं नितो बेटा मेरा लंच का टाइम हो गया है। जी मैडम। मैडम जी आज स्वीट डिश में ना एप्पल पाई बनाई है, पहले आप खाना खा लीजिए, उसके बाद गर्मा गर्म एप्पल पाई लेके आऊंगी आपके लिए। श्योर श्योर, इसे वीआईपी ट्रीटमेंट और मुझे ये। दू क्या तुझे वीआईपी ट्रीटमेंट? दू क्या? यहाँ कैसे आना? मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। लेकिन मैंने बहुत कुछ किया। नाम रजनी देवी, लेकिन रजनी सिर्फ नाम के लिए देवी है। जो 5 लोगों का खून किया ना मैंने, वो मुझे यम बोलते हैं, मैडम यम शॉर्ट फॉर्म। और भी ऐसे 13, 14, 15 किडनैपिंग, डे व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, भ्रष्टाचार, बहुत कुछ किया। ऐसे कई से चार्जेस लगे मुझ पे, तब जाके रजनी देवी वीआईपी बनी है, समझी? मेरा भी बहुत रॉब है सोसाइटी में। जाके वहां झाड़ना रॉब, यहाँ क्या कर रही है? बचाओ, ये लड़की मुझे मार डालेगी। अरे रुको, छोड़ दो, छोड़ दो ना मुझे, प्लीज। गई, काम का फोन है। बोल संजू, क्या एक लड़की कम है? मतलब दर्जनों लड़कियां उठाया था हमने, मर गई। तो लड़कियों का ख्याल रखो ना तुम लोग। रजनी देवी ने शेख साहब से 12 लड़कियां भेजने का प्रॉमिस किया है, और तुझे पता है ना मेरे लिए प्रॉमिस कितना इंपॉर्टेंट है। आज रात की फ्लाइट है, पैसे आ चुके हैं, टिकट कंफर्म हो चुका है। कहीं से भी एक लड़की बंदोबस्त कर जो घर के काम में अच्छी हो, नहीं तो अपनी बहन को बाय बाय बोल दे। मूड खराब कर दिया, डैम इट। एक सेकंड, मैं तुम्हारा मूड सही कर देती हूँ। तुम्हें घर काम की लड़की की जरूरत है ना, पक्की नौकरानी, मैं अरेंज कर देती हूँ। कहाँ से?
आइए। सर ये वो अनुग लेबर एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो से आए हुए, पूरी सोसाइटी में जितने लोग काम करने वाले हैं सबका इंस्पेक्शन करने आए, और हमें जांच करनी है कि कहीं किसी ने अपने घर में छोटे बच्चे को काम पर तो नहीं रख रखा है। और भाई साहब यहाँ तो कोई अंडर एज नहीं है, सारे नौकरों को आईडी दिखाना होगा। अरे कमाल करते हो यार, अरे दाढ़ी देखो, मूछे देखो, कद काठी देखो, हम कहीं से अंडर एज लग रहे हैं क्या तुम्हें? सुंदर क्यों बहस कर रहा है, जा जाके आधार कार्ड ला दिखा दे। जी सर आप कहते तो दिखा देते। तुम अपनी आईडी दिखाओ। भाई साहब ये हमारे घर की बहू है, मेरी बच्ची, ये यहाँ काम नहीं करती। बच्चा बच्चा बोलकर आप जैसे लोग अपने घर में कम रूम के लड़के लड़कियों से काम करवाते हैं, हमें पूरी जानकारी है। आपकी सोसाइटी वालों ने हमें बताया है कि आपके घर में दो नौकर हैं, एक आदमी है और एक किसी गांव की लड़की, और ये किसी भी तरह से दिल्ली की नहीं लगती। क्या बदतमीजी है ये, मैंने कहा ना ये हमारे घर की बहू है। आपको सीधे सीधे बात समझ में नहीं आती क्या? आपको जो भी खबर मिली है गलत है। फिर से झूठ बोला तो कंप्लेंट कर देंगे आप। अरे ऐसे कैसे कंप्लेंट कर देंगे भाई, सर पे ही चढ़ जा रहे हो। पापा रहने दीजिए ना, बस आईडी कार्ड तो देखे जाते दिखाई देते थे। रिली कौन तकलीफ नहीं, अब इलावत मैं आदि को लग लेता हूँ, ऐसे कैसे मनमानी कर सकते हैं। ये लीजिए हमारी सत्यता का प्रमाण, मेरा आधार, मेरी पहचान। हाँ ठीक है। अरे एक काम करो, तुम चाय बना कर लाओ। अरे पहचान देख ली, अब चाय भी पियेंगे क्या? बिल्कुल पियेंगे, जाओ बना कर लाते हो क्या? कंप्लेंट करे तुम्हारे साहब को। देखिए उनको बुलाने से भी कुछ होगा नहीं, क्योंकि चाय तो हमें ही बनानी है, बना देते हैं। इमली ये क्या है, आधार कार्ड लेके कहाँ जा रही है? रूपी दी वो कौनो लोग आए हैं घर पे, वो जाने के चाहते हैं कि घर में जो उन लोगों ने काम करे थे 18 से कम तो नहीं है, ये से आईडी कार्ड चेक करके जाते हैं। अच्छा अकेली मत जा, मैं गैस बंद करके आती हूँ तेरे साथ। नहीं, चलती पापा है बाहर, आप चिंता मत करिए। अच्छा मैंने ना अदरक वाली चाय बनाने रखी है, तू जल्दी से आ जा साथ पियेंगे। ये इमली साइन करवा लो इसे। जी सबसे पहले तो आपको उनके आईडीज चेक करने चाहिए थे पापा। ये लोग है कौन? वो कुछ चाइल्ड लेबर डिपार्टमेंट से कह रहे थे अपने आप। चाइल्ड लेबर डिपार्टमेंट, पता नहीं इमली को और कितनी बेइज्जती झेलनी होगी। माना कि तुम कष्टों का ही देत हो जो कस सह पाए, पर हमरी गुड़िया कितना सही है और कितना सही है सीता मैया, और कितनी परीक्षा ली है सीता मैया, हमरी गुड़िया की रक्षा कर सीता मैया, उनका ढेर सारा आशीर्वाद हो, उनका हिम्मत ताकि वो हर चुनौती को पार कर जाए। सीता भैया गुना का हमरे गुड़िया को मुसीबत में तो नहीं है,
अपने गुड़िया की रक्षा कर सीता भैया, अपने इमलिया की रक्षा कर। अरे कहाँ चले गए? कहाँ चल? इमली का आईकार्ड। इमली, इमली। वही तो समझ नहीं आ रहा बेटा कहाँ चली गई। कौन चला गया? क्या हो गया? बाहर चक्कर। अरे किसी ने इमली को देखा है क्या? नहीं, क्या हुआ? सुंदर सुंदर वो दोनों लोग कहाँ गए? वो हमें चाय बनाने के लिए बोला और पता नहीं खुद कहाँ चले गए। मैं नीचे चेक करती हूँ। निशु तू छत पे जाके चेक कर, कहीं ऊपर ना। हाँ ठीक। किसको? क्या हवा हो? बाहर भी नहीं। क्या बाहर? पर वो लोग थे कौन? आप दोनों ने उनसे उनका नाम तो पूछा होगा। नहीं बेटा, मैं तो सीधा तुझे बुलाने आ गया था। तुम कहाँ गए? वो उनके गले में आईडी कार्ड तो थे पर आई एम सॉरी हमने नाम नहीं पढ़ा। अरे तो एक काम करते हैं ना कि उनके ऑफिस फोन करके पूछ लेते हैं किन लोगों को यहाँ भेजा था उन्होंने। मैं जरा कॉलोनी में जाके पता करती हूँ। आप रुकिए, हम साथ में चलते हैं। आप आ जाए। तो आप ये कह रहे हैं कि दो लोग यहाँ आए थे और उनके जाते ही इमली गायब हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है त्रिपाठी जी? मैं ही बेवकूफ हूँ, मुझे आदि को बुलाने जाना नहीं चाहिए था। आप लोग इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं? जो लोग आए थे वो अपना काम करके चले भी गए होंगे। इमली ऐसे ही बाहर घूमने चली गई होगी। वो आजकल कॉलेज भी नहीं जा पा रही और घर में भी उसका कुछ खास मन नहीं लग रहा। अरे कलिनी, तुम तो अपनी काली जुबान बंद ही रखो तो अच्छा है। अरे उका ई घर में रहे के लिए कितना मन भावत है, सब कोई जानत है। और उका कहीं जाए के होता तो हमका तो बताई के जाते। नानी जी, आप क्यों इतना हाइपर हो रही है? मैं बस कह रही हूँ कि घूमने नहीं तो मार्केट चली गई होगी। हम ऐसे पैनिक रहेंगे और स्ट्रेस में रहेंगे तो ठीक से सोच नहीं पाएंगे। हमें शांति से सोचना चाहिए। आई एम श्योर इमली खुद ही अभी आती होगी। एक खन खजूर हमका यहाँ ला कर ना बहुत बड़ी गलती की। जब इमली नाम की आफत तुम्हारे सर पर टूटी है ना, तब समझ आएंगे कि कितनी बड़ी गलती कर बैठे हो। अब तू सिखाएगी हमें, हैं? हट जाओ मेरे रास्ते से। लोना ना अपन पास ही रख लियो भैया, हमका डर नहीं लागत है। हम गोली खा भी चुके और अगर जरूरत पड़े तो खिला भी सकते हैं। सीता मैया का आशीर्वाद है हमारे साथ। तुम्हारे तमंचे हमारे कुछ नहीं बिगाड़ पाई। हटो हमारे रास्ते से। क्या कर रहा है दीपक? देख नहीं रहा? लड़की कितनी बहादुर है। बंदूक नीचे कर, चल। आप समझे ना? क्या नाम था तेरा? वो इमली। तो इमली बेटा तू भाग जा, तू तो गोलियों से भी नहीं डरती, तो हम तुझे कैसे डरा सकते हैं? तू नहीं डरती पर ये लोग तो डरते हैं। तो इमली जी, आप जाएंगी या चुपचाप इन्हीं के साथ बैठेंगी? शाबाश, तुम सब लोग यहाँ कैसे फंस गए? लोगों तुम सबको घर से उठा कर लाए हैं। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा रो मत। इसलिए सिर्फ हम टूट जाए, डरे की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएंगे। सीता मैया है ना, पर भरोसा रखो बस। चलो लाइन में जाके खड़े हो जाओ, चलो निकलो। जरूर किसी प्रॉब्लम में फंसी होगी, ना इतनी देर में उसे घर वापस आ जाना चाहिए था। आदित्य, आप क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हैं? आप इमली को जानते हैं, वो रास्ते में किसी से बात करने के लिए रुक गई होगी।
वो बस आती होगी, जस्ट रिलैक्स। अरे कलिनी, वो हमका बता के गईस नहीं, अपन पति का बताइस नहीं, तो तोका कैसे पता कि वो वापस आई जाइए? कहीं तू तो नहीं मंगाई दी सोका? व्हाट रबिश। हेलो, जय सीता मैया की, काम इमलिया से बात कर सका था? वो आपसे मिलने नहीं आई है क्या? का मतलब? किसका फोन है माँ? मिठी जी का फोन है, इमली वहाँ नहीं है, तू बात कर। हेलो, अरे ए मनहूस, अरे तुहार गुड़िया कहीं पता नहीं है कहाँ चली गई से? का? सबको यहाँ उनकी राह देखत है, कहा मालूम कहाँ चली गई से? अम्मा का कर दो, कामरी गुड़िया। अम्मा अम्मा आप शांत हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम इमली को ढूंढ रहे हैं ना, आप चिंता मत कीजिए। आदित्य बाबू हमारी गुड़िया। देखिए इमली मिल जाएगी ना तो आप खुद उससे पूछ लीजिएगा, वो कहाँ गई थी, क्यों गई थी, हम जल्दी उसकी बात करवाते हैं आपसे। आप चिंता मत कीजिए, अभी रखते हैं, प्रणाम। पर आदित्य बाबू, हेलो, नहीं माँ अम्मा से भी मिलने नहीं गई है तो फिर कहाँ गई है इमली? कहाँ गई सर? वो इमली हम नहीं बता पाएंगे, आप ही बता दीजिए। भाई सारे पड़ोसियों से पूछा है, जो आईडी कार्ड चेक करने वाले लोग हमारे घर आए थे और किसी के घर नहीं गए। ए, आगे हंसो थोड़ा। तुम लोगों ने फोटो काहे खींचा? तुम्हें फॉरन भेजना है ना, छुट्टी पे, पासपोर्ट तो बनाना पड़ेगा ना। पासपोर्ट काहे? ए चुप, सवाल हम पूछेंगे, बैठ। आई एम मिसेस चतुर्वेदी और आप मिस या मिसेस रजनी देवी? इन सब चोचलों को नहीं मानते। श्योर श्योर। अरे इट्स ओके, खाओ खाओ, उस लड़की को किडनैप कराने में तुमने मेरी हेल्प की है, और रजनी देवी अपने हेल्प करने वालों को लेकर बहुत पर्टिकुलर है। ट्रस्ट मी, उस लड़की से पीछा छुड़वाकर आप मेरी बहुत बड़ी हेल्प करेंगे। उस लड़की को अपनी लाइफ से बाहर निकालने के लिए मैं तो अपना पूरा बैंक बैलेंस खर्च कर सकती हूँ। उस नौकरानी ने ऐसा क्या किया तुम्हारे साथ? सब कुछ, यूं समझ लो कि वो मेरी और मेरी बेटी के रास्ते का काटा है। अगर वो मेरी लाइफ से निकल गई ना तो मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। रजनी देवी को तुम्हारी लाइफ से अभी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इतना बताओ कि घर का काम वो सही से कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं। हाँ हाँ, वो गाँव से है और दिल्ली में आकर के वो नौकरानी बन गई है, उसे सारा काम अच्छे से आता है और अब मेरी वजह से उसे प्रमोशन भी मिल जाएगा, बाहर जाकर के बनेगी वो नौकरानी। हाँ संजो, सबसे पहले सारी लड़कियों से घर के काम का टेस्ट लो, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सारी लड़कियां आज रात तक डिलीवर हो जानी चाहिए। आज तो मैं भी मान गई कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, मुझे नहीं पता था कि जेल में आकर के इतने अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। इस बार तो तू डेफिनेटली गई, हैप्पी जर्नी नौकरानी जूनियर। झाड़ू लेकर आओ इनके लिए, एक एक करके झाड़ू उठाओ। झाड़ू का है? घर के काम आते हैं ना, चलो अब झाड़ू लगाकर दिखाओ। चलो झाड़ू लगा कर दिखाओ, जल्दी। इमली जी, आपके लिए स्पेशल झाड़ू मंगवाए क्या? चले उठाइए। हम ये सब करे काहे? काहे कि विदेश में आपकी नौकरी लगवाई समझी, और वहां पर आपको यही झाड़ू पोछा और बर्तन करने, तो आप ठीक से करके दिखाइए कि आप कर पाएंगे कि नहीं। चलिए। मैंने लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो को फोन किया था एंड दे सेड कि उन्होंने यहाँ पे किसी को भी इंस्पेक्शन के लिए नहीं भेजा, दैट मींस वो जो लोग आए थे वो फ्रॉड हैं। क्या
पर वो हमारे घर ही क्यों आए? किसने भेजा होगा उन्हें? सब हमारी गलती है। हमें तभी समझ जाना चाहिए था जब उन्होंने चाय बनाने के लिए कहा था। ना हम चाय बनाने जाते और ना ही इमली। इमली किडनैप हुई है। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।